और खबर डोईवाला से, रानी पोखरी में हुआ निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन। ग्राम प्रधान सुधीर रतोड़ी जी ने किया निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन। देहरादून से बुलाई गई नेत्र चिकित्सकों की टीम आज रानी पोखरी पंचायत भवन में निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन ग्राम प्रधान सुधीर रतोड़ी जी द्वारा किया गया, जिसमें देहरादून से नेत्र चिकित्सकों की टीम बुलाई गई। ग्राम प्रधान रतूडी जी द्वारा बताया गया कि काफी समय से स्थानीय लोगों को आंखों की समस्या थी, कुछ लोगों को दूरदृष्टि जैसी समस्या थी और किसी को नजदीक देखने में समस्या आ रही थी, वहीं कुछ लोगों को मोतियाबिंद जैसी समस्या भी थी। हर कोई अपनी आंखों के इलाज के लिए अस्पताल नहीं जा पा रहा था, मगर आज रानी पोखरी पंचायत भवन में इस निःशुल्क नेत्र जांच शिविर के लग जाने से छोटे बच्चे, युवा युवतियाँ, माताओं, बुजुर्गों, सभी को इस निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का लाभ मिल रहा है। निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में नेत्र चिकित्सकों के नाम महावीर बर्थवाल, नितिन, मोहित, संदीप आदि मौजूद थे। डोईवाला से राजाराम जोशी की रिपोर्ट। काफी समय से मैंने कहा लोगों को एक सुविधा आंखों की जो है, काफी लोगों के आते थे कैंप भी लगा रहे, आप बहुत से लोगों ने बोला था, तो मैंने कैंप के लिए लगाने में बात की, मैंने आज कैंप लगाया डॉक्टर ने और काफी लोग आ रखे हैं और गरीब लोग, हर आदमी हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाते, तो हमने कहा कोई स्थानीय पंचायत स्तर पर कुछ उनको निःशुल्क कैंप मिल जाए, तो निःशुल्क कैंप आज लगाए हैं हमारे यहाँ और काफी लोग आ रहे हैं, उसका सुविधा का इसकी सुविधा का लोगों को फायदा मिलेगा, हम लोग नहीं जाते हैं। इसमें कुछ और भी टेस्ट है या आंखों के अलावा कुछ और भी है या खाली आंखों का ही? इसमें आंखों से संबंधित सभी चीज़ें देखते हैं, किसी का आंखों की रोशनी का है, दूर दृष्टि में भी दृष्टि का है, और जो है किसी का बोध या दिल का है, या आंखों का किसी का ऑपरेशन होने की जरूरत है, सब चीज़ देख रहे हैं। खबर अच्छी लगी हो तो लोग जो न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।